हाँ तो प्यारे बच्चों, फिर से आपका एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल STA Academy पे। इस सेशन में हम लोग क्या करने जा रहे हैं बता दो। जो लास्ट वीडियो में हमने करा था, नहीं कन्वर्जेंट ट्रायंगल्स के लास्ट वीडियो में जो हमने करा था, क्या करा था? इन अ ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। यहां पर क्या होगा, एंगल्स इक्वल होंगे और उसके अपोजिट साइड्स को इक्वल वेरीफाई करना पड़ेगा। दैट मींस द sides opposite to equal angles of a triangle are also equal. It's the topic right now. Okay? ये topic है, हमें इसको verify करना है। बढ़ते हैं, कैसे इसको क्या करेंगे देखते हैं। क्या कहा गया है ना, triangle the sides opposite to equal angles are also equal. Just previous case के opposite condition है हमारे पास। वहां क्या दे रखा था, वहां दे रखा था हमारे पास दो sides जो कि इक्वल थे। एक ट्रायंगल था जिसके दो साइड क्या है, इक्वल थे। यहां पर उसका अपोजिट केस है, यहां पर क्या है, एंगल इक्वल है। ठीक है, देखते हैं जरा। देयर इज अ ट्रायंगल, ओके, इन विच इट इज गिवन दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंड देयर आफ्टर वी हैव टू प्रूव दैट इसके अपोजिट साइड्स ए बी और ए सी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है मेरी बात, देखते हैं कैसे हो सकता है। What do we given here? What have we write here? Given what? A triangle ABC. A triangle ABC in which angle B is equal to angle C. Okay. Thereafter we have to prove that. What do we prove that? What do we have to prove? क्या प्रूफ करना है, इसके जो अपोजिट साइड्स हैं, दैट मींस ए बी एंड ए सी ये क्या हो जाएंगे, इक्वल। फिर से वही कंडीशन है, हमारे पास वी हैव ओनली वन ट्रायंगल राइट नाउ, कुछ कर नहीं सकते हैं, सो वी आर इन द नीड ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो उसके लिए कुछ तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब जो कंस्ट्रक्शन करना है वो हमें ये ध्यान रख करके कि क्या क्या कंडीशन है हमारे पास। नहीं, अगर मान लो हम यहां से इस ट्रायंगल का एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर ले, वर्टिकल एंगल का, जो उस दो एंगल के बाद बच गया ना, उस एंगल का क्या करेंगे हम लोग, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। जब ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, ये जो आपका एंगल ये है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल हो गया। तो देखो, तो एंगल एंगल साइड हम अप्लाई कर सकते हैं क्या, ये मान लीजिए पॉइंट डी, एंगल एंगल साइड से दोनों एंगल कन्वर्ट हो सकता है क्या, हो सकता है, अप्लाई करते हैं देखते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, हमने क्या करा, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीटिंग बीसी एट पॉइंट डी, एट पॉइंट कहाँ मिट करा, पॉइंट डी पे मिट करा। प्रूफ में ऐसे ही है, क्या हो सकता है, कैसे करेंगे। राइट नाउ वी हैव टू ट्रायंगल्स, व्हाट, इन ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल एडीसी वी हैव, व्हाट डू वी हैव, लुक एंड सी, क्या चीजें कैसे है, बढ़िया समझेंगे। पहली बात, ये जो आपका एंगल डीबीसी होगा, एंगल डीबीसी इक्वल्स क्या हो जाएगा, डीबीसी हमने लिख दिया, सॉरी ध्यान से देखोगे, डीबीए, व्हाट, एंगल डीबीए इज इक्वल टू, यू कैन से एंगल डीसी, ये क्या हो जाएगा, क्यों, सिंस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, या फिर आप डायरेक्टली लिख लो गिवन, द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड वन इज व्हाट, एंगल बी ए डी, वॉट, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, क्यों भाई, क्यों, रीजन क्या है इसके पीछे, सिंस ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, कह सकते हो। एंड द थर्ड थिंग, व्हाट डू यू हैव राइट नाउ, and what, AD is common to both the triangles, AD is common to both the
ओके, सो अब देख लो, एंगल एंगल साइड, द टू एंगल्स एंड वन ऑफ द साइड्स, टू एंगल्स एंड वन ऑफ द साइड्स, दोनों ट्रायंगल्स क्या क्या है, इक्वल, क्लियर है मेरी बात? सो यू कैन इजीली अप्लाई व्हाट, देयरफॉर ट्रायंगल एडीबी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल व्हाट, अरे बता लो, ये क्या हो जाएगा, कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा बाई, बता लो कौन सा हो जाएगा, ए ए एस कॉन्ग्रेंस रूल कह सकते हो। और जैसे ही ऐसा हुआ तो क्या सिंपलिसिटी से आप कह सकते हो देयर फोर ए बी इज इक्वल टू एस, हो गया बात क्लियर, बताओ हाँ कि ना? आप लिख लोगे हेंस द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। थोड़ी सी तबीयत नाजुक है, कोई बात नहीं, चल रहा है, करवा चलता रहेगा, ऐसे ही चलते रहेंगे, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है, इस समझ में आया होगा आप लोग को, कोई तकलीफ इसमें नहीं हुई होगी। वीडियोज अगर पसंद आ रहे हैं, फिर से हम बोल रहे हैं, तो आप लाइव सेशन में आइए, क्वेश्चन कीजिए, नहीं कोई कॉस्ट तो है नहीं, बस एक डेटा चाहिए आपके फोन में, अगर आप फोन का सही इस्तेमाल कर रहे हैं तब, नहीं तो यूज कीजिए जो रिसोर्सेस हमारे पास है ना, उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए पॉजिटिव सेंस में, इस भी चीज को ध्यान देना है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अभी हमारा इक्वालिटी से काम हो चुका है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इन इक्वालिटीज को, नहीं आपको आज ना लगभग पूरा वीडियो आपको इसका कन्वेंट का मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट की बात है नहीं, ठीक है, आप बाकी क्वेश्चन कर सकते हो। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट टेक केयर, टाटा बाय बाय।